ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार, बोल किला आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं कि 10 मई को कर्नाटक में वोट डाले जाने वाले हैं और 13 मई को यह फैसला हो जाएगा कि सत्ता में बीजेपी रहेगी या चली जाएगी। मगर इस वक्त कर्नाटक के अंदर एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर जो है वो जन्म ले रही है, मगर इसकी चर्चा कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी अखबार नहीं कर रहा है। कर्नाटक के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 40 लोग वो बगावत कर रहे हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं। वो नाराज चल रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां जहां जा रहे हैं, उनका अपना काडर, उनके अपने कार्यकर्ता जो हैं उन्हें धकिया रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। मगर इस खबर को न्यूज चैनल्स ने पूरी तरह से दबा दिया है दोस्तों, पूरी तरह से दबा दिया है। एक एक करके तस्वीरों के साथ मैं आपके सामने जो है प्रमाण पेश करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों कुछ चेहरे आपके सामने, एस अंगारा, डॉक्टर विश्वनाथ, जगदीश शेट्टर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रघुपति भट्ट, लक्ष्मण सवाड़ी, डोडप गौड़ा पाटिल, रामप्पा लमाणी, गुलिहाटी शेखर। ये कौन से नाम है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। ये वो नाम है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में या तो कैबिनेट मंत्री थे या विधायक थे। अब इनमें से अधिकतर या तो भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं या फिर उन्होंने बगावत कर दी है। जिन लोगों को टिकट नहीं दी गई है उनमें से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर भी हैं। वो इस कदर नाराज हो गए हैं कि वो अपने समर्थकों के साथ बगावत कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं रघुपति भट्ट। कौन है रघुपति भट्ट दोस्तों, याद दिलाना चाहूंगा, जब कर्नाटक के अंदर बेवजह हिजाब के विवाद को जन्म दिया गया था तब ये वो नेता थे जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों को स्कूल जाने से रोका था क्योंकि वो हिजाब पहनी हुई थी। ये वो रघुपति भट्ट हैं। अब देखिए इस वीडियो में किस तरह से वो आंसू बहा रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इसके 20 सेकंड इसका देखें और फिर मैं चर्चा करता हूं। देखिए बेसर है ये क्षण दौरे ओब्बा ननगे फोन माड़ी कार्यकर्तरु रात्रि फोन माड़िदार पापा इडी रात्रि 3 घंटे 4 घंटे को फोन माड़िदार निद्दे माड़िल्ल अवरु। तो आप देख सकते हैं भट्ट साहब की आंखों में किस कदर आंसू हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला। यही हालत दोस्तों हर जगह दिखाई दे रही है। मैंने एक वीडियो देखा था मगर वो वीडियो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि मैं उसकी विश्वसनीयता को इस वक्त नहीं परख सकता। उस वीडियो के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटा रहे हैं। जी हां, इस कदर वहां के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है दोस्तों, इस कदर नाराजगी है। और एक बार फिर मैं आपको बतलाना चाहूंगा 40 लोगों की लिस्ट, ये वो 40 लोग हैं जिन्हें या तो टिकट मना कर दिया गया है, टिकट डिनाई कर दिया गया है, और ये 40 लोग या तो बगावत कर रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर लक्ष्मण सवाड़ी, पूर्व उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो एक विमान में सवार होके बैंगलोर जा रहे हैं, बेलगाम से बैंगलोर। और इस विमान में बुकिंग किसने की है? डी के शिवकुमार जो कि कांग्रेस के नेता हैं। कर्नाटक में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बिखर गई है दोस्तों, मगर इसकी सुगबुगाहट आप कहीं नहीं सुनते हैं। और बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, मैं आपको एक कार्टून दिखाना चाहता हूं। इस कार्टून में जैसा कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस या विपक्ष पर वंशवाद, डायनेस्टी पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं, मगर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री एक उंगली कर रहे हैं और उनके खिलाफ कितनी उंगलियां हैं। सतीश आचार्य का यह कार्टून क्या कहता है मैं आपको बताता हूं।
यानी कि प्रधानमंत्री दूसरों पर तो वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं, मगर कर्नाटक बीजेपी बुरी तरह से भरी पड़ी है वंशवादी राजनेताओं से, और कांग्रेस ने बाकायदा एक लिस्ट पेश की है जो आपके सामने है, कांग्रेस के नेता श्रीवत्सा के इस ट्वीट के जरिए, और इसमें उन्होंने बाकायदा पूरी लिस्ट पेश की है वंशवादियों की। वो कौन कौन है आपके स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री बोम्मई, वे खुद एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। इसके बाद येदुरप्पा के बेटे, उन्हें भी एमएलए का टिकट दिया गया है, और येदुरप्पा के जो दूसरे बेटे हैं वो सांसद हैं। इसके अलावा रवि सुब्रमण्या को एमएलए का टिकट दिया गया है, और उनके जो भतीजे, ये शख्स तेजस्वी सूर्या खुद एक सांसद हैं। इसके अलावा ज्योति गणेश को एमएलए टिकट दिया गया है, उनके पिता बासव राज जो हैं वो एक सांसद हैं। दो जरकी होली भाई हैं, दो भाई हैं जरकी होली भाई हैं, उन दोनों को एमएलए का टिकट दिया गया है। उसी तरह से कट्टी परिवार से बेटा और भाई दोनों को एमएलए का टिकट दिया गया है। दो रेड्डी बंधुओं को एमएलए का टिकट दिया गया है। पूरी एक लिस्ट है दोस्तों, पूरी एक लिस्ट है दोस्तों, 20 लोगों की लिस्ट है जो ये बतला रहा है कि इस बार जो टिकट बांटे गए हैं उसमें वंशवाद का खास तौर से ध्यान रखा गया है। यानी कि दो पैमानों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। नंबर एक, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत चल रही है वो अप्रत्याशित है, और मैं प्रमाण आपके सामने दे चुका हूं। नंबर दो, वंशवाद को लेकर प्रधानमंत्री जो दावा करते हैं वो भी पूरी तरह से फेल हो गया है। यहां पर खुद प्रधानमंत्री का दावा एक्सपोज हो गया है। मगर आज मैं आपको कुछ और बतलाना चाहता हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि यहां पर भी गुजरात मॉडल कामयाब होगा, उत्तर प्रदेश मॉडल कामयाब होगा। और वो मॉडल क्या है? वो मॉडल यह है कि चुनाव लड़ा जाएगा प्रधानमंत्री के चेहरे पर, और जो बात आला कमान कहेगी सब लोग सुनेंगे, कोई बगावत नहीं होगी। गुजरात में भी यही मॉडल अपनाया गया, और उत्तर प्रदेश में भी यही मॉडल अपनाया गया, और जो काफी हद तक सफल हुआ। मगर कर्नाटक में यह मॉडल कामयाब नहीं हो रहा है। बीजेपी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा और हिंदुत्व, इन दोनों के सहारे वो सत्ता दोबारा हासिल कर सकते हैं। मगर कर्नाटक में खेल जाति का भी है, जी हां, और जातियों के अंदर छुपी हैं और भी छोटी छोटी जातियां, और उनका खास ख्याल रखना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अमूमन अपनी राजनीति के जरिए वो तमाम चीजें साध जाती है, मगर इस वक्त वो इसमें पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है, और यही वजह है दोस्तों इतने बड़े पैमाने पर बगावत की स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। यानी कि गुजरात मॉडल पूरी तरह से कर्नाटक में फेल हो गया है। अब बीजेपी की जो एकमात्र उम्मीद है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हें लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे प्रधानमंत्री की शख्सियत पर बीजेपी जो है दोबारा सत्ता हासिल करेगी। वो ये उम्मीद कर रहे हैं, मगर वो ये भूल रहे हैं कि बोम्मई सरकार बुरी तरह से बदनाम है, और वो जानी जाती है 40% कमीशन सरकार, यानी कि एक ऐसी सरकार जो हर कॉन्ट्रैक्ट में 40% का कमीशन लेती है। आपको याद होगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता संतोष पाटिल, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। क्यों की थी? क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसे रिश्वत देना पड़ रहा था। उसने आरोप किसी और पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा पर लगाया था। यह बात अलग है कि अपनी जांच में उन्हें क्लीन चिट भी मिल गया। संतोष पाटिल ने बाकायदा भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री को खत लिखा था। वो मामला पूरी तरह से उड़नछू हो गया। आज बोम्मई सरकार या बीजेपी सरकार 40% कमीशन सरकार के तौर पर जानी जाती है, मगर यह बात आपको कोई भी मुख्यधारा का न्यूज चैनल नहीं बताएगा। आज की तारीख में जितने भी लोग, जितने भी पोलस्टर्स जमीन जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कोई नहीं बताने वाला है आपको कि भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी किस कदर बदनाम है। मगर क्या इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस 13 मई को सत्ता में आ रही है? यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना है
कि पिछले दो सालों से यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनावों से भी पहले कर्नाटक में सांप्रदायिक फसल बोई जा रही थी, हिजाब विवाद को जन्म दिया गया जिसके चलते टकराव हुआ, और फिर आपको याद होगा मुसलमानों के बॉयकॉट की भी बात की गई। तेजस्वी सूर्या जो बार बार सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देते रहते हैं, यानी कि सांप्रदायिक फसल बोई जा रही थी, सांप्रदायिक जहर लोगों के नसों में डाला जा रहा था। अब बड़ा प्रश्न यह है कि जब 10 मई को वोट डाले जाएंगे तो क्या उस सांप्रदायिकता का असर वोटर के दिमाग पर होगा या नहीं होगा, या वो मुद्दों पर, या फिर वो बुम्बई सरकार के कथित भ्रष्टाचार पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तमाम प्रश्न है दोस्तों, इनके जवाब दिए जाने बाकी हैं। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि ये खबर जो आज मैंने आपको बताई, कोई आपको नहीं बता रहा है कि कर्नाटक के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में बगावत की एक बहुत बड़ी आंधी आई है। वंशवाद को लेकर बीजेपी बुरी तरह से एक्सपोज है। वहां के लोगों में प्रधानमंत्री की छवि को लेकर भी नाराजगी है जो अप्रत्याशित है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि 13 मई को जो भी नतीजे आने वाले हैं ना, उसका असर दो चीजों पर पड़ने वाला है। बुम्बई सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम है, और अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है तो इसका असर अडानी मामले पर भी पड़ेगा, जहां वित्तीय अनियमितता के मामले सामने आए हैं, जहां प्रधानमंत्री कटघरे में हैं। यानी कि अगर बुम्बई गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कटघरे में होंगे, गौतम अडानी को उनके समर्थन को लेकर, गौतम अडानी वाले मुद्दे पर अपनी खामोशी को लेकर दबाव में प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। और यही नहीं दोस्तों, अगर कर्नाटक में बीजेपी हार जाती है तो यकीनन 2024 के लोकसभा चुनावों में कर्नाटक की जो सीटें हैं उस पर भी असर पड़ सकता है। मगर फिलहाल हमें 10 मई का इंतजार करना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।